नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पिक्चर मेटफॉर्टिक में। दोस्तों आज के दिन बहुत ही सैड खबर आपके लिए लेकर आया हूं उस वीडियो के अंदर, और सैड खबर ये है, खासतौर से उनके लिए है ये सैड खबर मैं कहूंगा, जो गेम्स वगैरह खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, जो अपने मोबाइल पर दिन दिन भर गेम खेला करते थे, एक तरह से कह सकता हूं कि गेम एडिक्ट जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा सैड खबर है। क्योंकि यहां पर जैसे 2020 में पबजी को इंडिया से बैन किया गया था, वैसे ही खबरें आ रही हैं कि यहां पर BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भी जो है इंडिया बैन कर दिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो मतलब पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके थे इस गेम के, जो खेलते थे दिन दिन भर। अब ये चीज देखिए, कंफर्मेशन की अगर बात की जाए तो न्यूज में ये चीज आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे गूगल प्ले स्टोर पे भी अगर आप इस गेम को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, ये पूरी तरह से स्क्रीन ब्लैंक आपकी दिखाई देगी, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ ये आपको यहां पर एप्पल के जो प्ले स्टोर है वहां से भी आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, वहां पर भी टोटल ब्लैंक है। तो यानी कि दोनों ये इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वहां से तो ये गेम गायब ही हो चुका है। हालांकि अगर आप चाहें तो एंड्रॉयड में तो इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर इसको अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इसके लिए यहां पर जो APK थर्ड पार्टी एप्स होते हैं वहां से आप इसको डाउनलोड अभी भी शायद कर सकते हो, लेकिन आप मेन प्लेटफॉर्म से इसको आप नहीं कर पाओगे डाउनलोड। तो इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं ये गेम जो है इसको हटा दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है या फिर इसको बैन कर दिया गया है। इसके पीछे आधिकारिक पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हां ये बात जरूर है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे गूगल प्ले स्टोर से 50 एप्स को जो है यहां पे बैन किया है, और उसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि वो 50 एप्स जो है आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करके उसको विदेशों में ट्रांसफर कर रहे थे, जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। तो उसी क्रम में जो 50 ऐप जो यहां से डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं, बैन किए गए हैं, उन्हीं 50 एप्स के अंदर आपका यहां पे BGMI भी आता था, तो उसको भी इसी क्रम में शायद यहां से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, और ऐसा ही कुछ आरोप पबजी पे भी लगा था। इसके अलावा भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो रीजन अभी यहां पे भी लेटेस्ट हुआ था, ये पिछले महीने ही लखनऊ के अंदर जो है एक बच्चे ने अपनी मां का मर्डर कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ वो गेम खेलता था और मां उससे बहुत परेशान थी, तो वो उसी गुस्से में आके उसने अपनी मां तक का मर्डर कर दिया था। मतलब इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया था वो इस गेम का। अरे यार, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीरियसनेस, ये गेम को लेकर एडिक्शन आपके लिए पागलपन बन जाता है, नशे की लत वाली स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर टेंशनाइज थी। पबजी भी इसी तरह के रीजन से गया था, और एक रीजन ये भी था कि आपके प्राइवेट डाटा कलेक्ट करके उसका मिसयूज किया जा रहा था, एक तो वो रीजन था, प्लस ये रीजन ये पागलपन भी था। उसके साथ ही साथ बहुत सी खबरें ऐसी भी आ रही हैं मीडिया में, मतलब ये लास्ट टाइम ही पढ़ने को आ रही थी, जिसके अंदर बहुत से बच्चे जो हैं अपने फादर का जो है पर्सनल ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करके इसमें जो वेपन्स वगैरह खरीदे जाते हैं, वर्चुअल वेपन्स, उसको खरीद रहे थे और लाखों रुपए उसमें जो है बिना माँ बाप को बताए, बिना उनकी नॉलेज के खर्च हो रहे थे। तो इसको लेके भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि यार इसका इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है इस गेम का, इतना लोग एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे। तो शायद इसी क्रम में ही इसको हटाने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है इसको बैन करने के पीछे। तो दोस्तों इसी बीच जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनको ये पता है कि हाँ, गवर्नमेंट के ऑर्डर ही से जो है गूगल प्ले स्टोर वगैरह से और प्ले स्टोर वगैरह से इसको हटा दिया गया है, लेकिन मेन रीजन क्या है इसके पीछे हटाने के, वो मतलब उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं, तो उसके बारे में वो कभी कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो ये चीज कंफर्म हो जाने के बाद ही साफ हो जाएगा कि ये किस वजह से, मेन ठोस वजह क्या रही यहां पर जो BGMI को इंडिया से बैन कर दिया गया। तो दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए होगी जो गेम लवर हैं। तो भैया सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ है भी तो इतना ज्यादा सर पे पहाड़ मत उठाना, क्योंकि ये जस्ट गेम है, पबजी गया था, उसके बाद फिर अगर ये भी जा रहा है तो क्या हुआ, दूसरे गेम भी हैं, अब ये आपका फ्री फायर भी तो अभी बचा हुआ है, अब खेल लो इसको ही खेल लो, नहीं पता लगा ये भी कल को अगर किसी रीजन से बैन हो जाए तब तो फिर भगवान ही मालिक, देखो फिर क्या आता है। हालांकि घूम फिर के ये कंपनियां नाम बदल बदल के तो आती ही रहती हैं, तो इतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार एडिक्ट मत हो जाओ, बाकी दुनिया को भी मत भूलो, रियलिटी में जीतते हो, वर्चुअल वर्ल्ड में इतना मत जाओ कि अपने माँ बाप को हार्म करो, ऐसा कुछ ही। तो मैं तो इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं हूँ, हालांकि मुझे गेमिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये आप लोग के लिए खबर है और मैं चाहूँगा कि इसका पॉजिटिव असर हो। गवर्नमेंट को तो वैसे भी एक्शन लेना ही चाहिए ऐसी चीज़ों पे जहाँ पर कहीं पर भी किसी की जान को खतरा हो रहा है या फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये था और पूरी जानकारी आपको मैंने दी, और कोई इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी तो जरूर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पर रख दीजिएगा, ताकि कोई इसी तरह का वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में, वंदे मातरम।